हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे स्टोरी अ मैरी क्रिसमस। फ्रेंड्स, ये स्टोरी है फोर सिस्टर्स की जो क्रिसमस के दिन अपने गिफ्ट का वेट कर रही हैं। जो सबसे पहले उठती है और उसे अपनी मदर का प्रॉमिस याद आता है, जिसमें वो कहती है कि वो उन्हें क्रिसमस का बेस्ट गिफ्ट देंगी। जो पिल्लो के नीचे अपना हैंड डालती है और उसे एक बुक मिलती है। बुक देख के वो बहुत खुश होती है क्योंकि ये एक गाइड बुक थी एक लॉन्ग जर्नी के लिए। जो अपनी बाकी सिस्टर्स को भी उठाती है, उनके पिलो के नीचे भी उन्हें एक एक बुक मिलती है, जो सभी बहुत खुश थे। उसके बाद जो मैग, बेथ और एमी सभी मिलके बुक्स को डिस्कस करते हैं। मैग बुक पढ़ती है और याद करती है कि उनकी मदर उन्हें अच्छा काम करने के लिए इंस्पायर करती है। फ्रेंड्स, मुझे भी उम्मीद है कि आप सब लोग भी अच्छी किताबें पढ़ते होंगे और अच्छी चीज़ें सीखते होंगे। जब चारों सिस्टर्स नीचे आती हैं तो उनकी जो मेड है ना, वो बताती हैं कि उनकी मदर कहीं किसी के साथ बाहर गई हैं। गर्ल्स अपनी मदर के लिए और अपने सब के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती हैं और एक गिफ्ट बास्केट भी रेडी करती है जो कि टेबल के साथ रखा। तभी उनकी मदर आती है और गर्ल्स बास्केट को टेबल के नीचे छुपा देती हैं और वो अपनी मदर को थैंक यू बोलती हैं उनके गिफ्ट के लिए। गर्ल्स मदर से पूछती हैं कि वो परेशान क्यों हैं। तभी उनकी मदर बताती हैं कि यहीं पास में एक पुअर लेडी रहती है जिसका एक न्यू बोर्न बेबी और 6 और बच्चे हैं जो कि बहुत ही बुरी हालत में है। उनके पास न खाने को कुछ है और ना ही आग जलाने के लिए लकड़ियां हैं। मदर गर्ल्स को कहती हैं कि क्या वो अपना खाना उस लेडी और उन बच्चों को दे सकते हैं एज अ क्रिसमस गिफ्ट। लड़कियां बहुत भूखी थी लेकिन वो मान जाती हैं और मदर बहुत खुश होती। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी किसी ज़रूरतमंद को ऐसा क्रिसमस गिफ्ट दिया है? गर्ल्स जब वहाँ पे पहुँचती हैं तो वो देखती हैं कि उनकी हालत बहुत ही बुरी थी। उनके पास फटी हुई चादरें थी, खिड़कियों के शीशे भी टूटे हुए थे और बच्चे भूख से रो रहे थे। गर्ल्स ने बच्चों को खाना दिया और कमरे की सफाई की और बच्चे बहुत खुश हुए। उन्हें लगता है कि भगवान ने उनके लिए खाना लेके एंजल्स को भेजा है एज अ क्रिसमस गिफ्ट। गर्ल्स भी ये सुन के बहुत खुश होती हैं और घर वापस चली जाती हैं। अपने मदर के लिए जो गिफ्ट लाई थी गर्ल्स, वो सारे वो उनके रूम में रख देते हैं। मदर जब फ्रेश होती हैं और बाहर आती हैं तो वो गिफ्ट देख के बहुत खुश होती हैं। मदर सारे गिफ्ट्स भी देखती हैं और उसके साथ जो नोट पड़ा था वो भी पढ़ के बहुत प्राउड फील करती हैं। मदर वन बाय वन सारे गिफ्ट ट्राई करते हैं जो कि उन्हें परफेक्टली फिट होते हैं। फिर सभी एक साथ मिलके ब्रेकफास्ट करते। फ्रेंड्स, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।